मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन सीखा है, लेकिन अब मैं जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूँ या फिर फर्स्ट जॉब मेरे को कैसे मिलेगा। तो सच बताओ तो मेरे को ना सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब बुरा मुझे इस बात का लगा कि तुम जहाँ से सीख रहे हो वो आपको ये क्यों नहीं बता रहे कि आपको जॉब कैसे क्रैक करना है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ से आप सीखते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट ठीक है, अगर वो नहीं सिखाते बट मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फर्स्ट जॉब एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हो। बट देखो, मार्केट में ना दो टाइप के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिसको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग आता है, और सेकंड लोग हैं जिसको लगता है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग आता है बट उसको नहीं आता है। अब जैसा जैसा मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो आपको दोनों कैटेगरी में फर्क पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ जिसको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग आता है वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है अपने पीसी में और जाके सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग जॉब नियर मी। अब देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब मिलेंगे, लेकिन जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे सबसे पहले उसके अंदर जाना और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आप वो सर्च करना। रिक्वायरमेंट में देखना क्या ये सारी चीज आपको आती है। अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप उस जॉब को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता तो उस चीजों को आप ओवरनाइट पढ़ो, ओवरनाइट सर्च करो कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। अब बहुत टाइम होता है कि जैसे कोई वैकेंसी निकला है उनको जो चाहिए उनसे ज्यादा ज्यादा वो वर्ड लिखते हैं या फिर बातों को घुमा फिरा के लिखते हैं। तो आपको ओवरनाइट उसके ऊपर रिसर्च करना है, वो सारी चीजें है और अपने आप को देखना है कि क्या मैं इसके लिए सक्षम हूँ। अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो दोबारा आप उस चीज को रिसर्च करना ओवरनाइट और जॉब के लिए आप सेकंड डे अप्लाई कर देना। थर्ड स्टेप में आपको उस कंपनी के वेबसाइट में जाना है और जाने के बाद पूरे वेबसाइट को आपको चार्ट लेना है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट वो बेचती है। उसके बाद पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च करना है, साथ ही साथ ये देखना है कि वेबसाइट में क्या क्या दिक्कतें हैं। जो भी दिक्कत है उसको आप एक बोल्ड पॉइंट में लिख लेना, लिखने के बाद उसका क्या क्या सॉल्यूशन है वो भी आप लिख लेना, और लिखने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना जो कि आपको इंटरव्यू में जाके शो करना है। जाके उनको बोलना है कि मैंने आपका वेबसाइट देखा था, मुझे वेबसाइट में ये चीजें दिक्कतें लगी और दिक्कतों को हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसको कि वेबसाइट ऑडिट करना भी बोलते हैं। मेरा एक 2 घंटे की वीडियो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसके ऊपर मैंने सिखाया भी है कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे आप किसी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हो। 2 घंटे की वीडियो है, वो देखोगे ना तो आप बहुत कुछ वही से सीख जाओगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो आप इंटरव्यू के लिए एकदम रेडी हो। बट एक चीज बचा हुआ है, वो है आपका रिज्यूम, जो कि आपको जाना है canva.com में, और canva.com में जाके वहां पे लिखना है रिज्यूम। और रिज्यूम लिखने के बाद आपके पास बहुत सारा टेम्पलेट आ जाएगा, एक अच्छा सा प्रोफेशनल टेम्पलेट आपको चूज करना है, और यहाँ पे आपको अपना इमेज डालना है, कलर वगैरह जो पसंद आए वो आपको डालना है, पूरी डिटेल लिखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी दुकान में गए और उसको बोलो भैया एक रिज्यूम बना के दे दो ना, ऐसा हरकत नहीं करना है, ठीक है। खुद की रिज्यूम खुद को बनाना है और उसको अट्रैक्टिव बनाना है। और जब रिज्यूम बन गया आपके पास, वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है वो बन गया, जॉब की जो जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने ओवरनाइट सीख लिया, तो आप अब इंटरव्यू के लिए रेडी हो। लेकिन 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 अब मैं बात करूंगा सेकंड लोगों के लिए, जिसको लगता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, फिर डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं बट एक्चुअल में उसको नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं उस पे बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बस डिजिटल मार्केटिंग सीखा है बट आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते हो, आपके पास भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हो, आप जाके सिंपली गूगल में लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप नियर मी। देखो सबसे पहले बताता हूं कि इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप में हो सकता है कि आपको पैसा ना दे, मतलब कोई कंपनी आपको हायर करे आपको पैसा ना दे, या फिर सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए दे और उससे सिर्फ आपको वो सिखाएंगे इन द सेंस कि काम भी कराएंगे, काम कराने के साथ साथ सिखाएंगे। और मैं सच बोलूं, क्योंकि देखो ये मार्केट में ना मैं क्या बोलूं यार, कभी कभार ना वर्ड नहीं निकलता यार जब मैं इस फील्ड के बारे में बात करता हूँ ना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग आता है बट मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। मैंने 60 से 70 लोगों का इंटरव्यू लिया है, मैक्सिमम लोग ऐसे थे। तो मुझे पता है कि आप में से ऐसे बहुत लोग हो जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है बट आपको लगता है कि आपको आता है, ठीक है। और बहुत लोग हैं जिनको पता है कि उनको डिजिटल मार्केटर नहीं आती है। तो ऐसे लोग, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिंपली डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप करना, ठीक है। 3 महीने की इंटर्नशिप रहता है, वहाँ पे आप बहुत लोग हैं जो आपको 2-3 हजार दे देंगे, बहुत लोग आपको फ्री में रखेंगे। तो देखो, पैसा देख के आपने कहीं सीखा है ना, तो यहाँ पे फ्री में आपको प्रैक्टिकल काम करने को मिलेगा। तो वहाँ पे जाके आप पहले इंटर्नशिप करो, जब आप इंटर्नशिप करोगे ना उसके बाद आपको वहीं पे जॉब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ना जॉब तो आपको दूसरी जगह जॉब मिल जाएगा, लेकिन इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल चीजें होती है, सीनियर के अंडर पे रह के आप काम करते हो, काम सीखते आपको घिसाया जाता है और उसमें भी आप एक्सपर्ट बन जाते हो। तो बिल्कुल मत शर्माना, इंटर्नशिप कर लेना, ठीक है। पैसा मिले ना मिले नॉलेज आपको मिलेगा जो कि आपको जिंदगी भर पैसा कमा के देगा। और जब एक बार आप सारी चीजें सीख जाओ तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने जो सारी चीजें बताया था ना, नेक्स्ट इंटरव्यू में वो सारी चीजें आप यूज करना। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बुरा फील बिल्कुल मत करना अगर आपको लग रहा है कि मैंने किसी को थोड़ा नीचा दिखाया, थोड़ा बेइज्जत किया। स्टार्टिंग टाइम मेरा भी ऐसा था, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ, तो आप जिस लेवल में हो उस लेवल से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए आपके दिल में जो जो बातें हैं ना, एक एक चीज़ मेरे को पता है।
और ऐसा नहीं कि मैं अकेले डिजिटल मार्केटर था, मेरे साथ बहुत लोग थे, तो सबके अंदर का सबका नॉलेज मुझे है कि सबके मन में क्या चलता था, उन्होंने क्या सीखा, क्यों छोड़ दिया। तो मुझे पता है कि आप भी उनमें से एक हो, मेरे में से एक हो, तो कुछ चीजें दिल में मत लगाना, ठीक है। मैंने जो जो चीजें बोला है बस उस चीज को अप्लाई करो, डेफिनेटली आप भी एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। अब देखो ये जो चैनल है ना, मैं वीडियो को खींचना नहीं चाहता था, बट ये चैनल में मैं चाहता हूँ कि यार एक्चुअल में मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, और इस चैनल में मैं सिर्फ अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं जैसा मैं एक्चुअल में हूँ, ठीक है, कोई मिलावटी नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं, मैं भाईचारा टाइप से आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग सीखे तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैनल बंद कर देंगे, है ना। चैनल बंद करके मेरे पहले से 4 चैनल चल रहे हैं, है ना, मेरा सॉफ्टवेयर है, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, चला तो भी ठीक है, है ना। मतलब हेल्प करते रहूंगा, अगर लोगों को हेल्प चाहिए होगा ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आया, ये चैनल अगर पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगा और हम एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप की एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं करना और DM मत करना, ठीक है। वो ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे वीडियोस वगैरह या फिर जो भी नॉलेज रहेगा वो शेयर करूंगा, अदरवाइज मेरे को रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिलता, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा कि वीडियो में तो ये अच्छा आदमी बनता है लेकिन व्हाट्सएप में अपनी औकात दिखा देता है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिलता टाइम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद आया होगा, इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।